आप देख रहे हैं पीआरजी टीवी जनता की आवाज। मैं आज उपस्थित हूँ रोहाई ग्राम में और यहाँ पे मैं ऐसे व्यक्ति से बात करने वाला हूँ जो इस पूरे अरवल डिस्ट्रिक्ट को नाम किए हैं। उन्होंने अरवल जिला को और इस रोहाई ग्राम को बहुत उस शिखर पे नाम को हासिल करवाए हैं। वो हमारे साथ अभी उपस्थित हैं, मैं उनसे बात करूंगा कि उनकी इस कामयाबी के पीछे और उन्होंने किस तरीके से अपनी पढ़ाई किए और पढ़ाई करने के बाद आज अरवल जिले के मैट्रिक में तीसरे स्थान हासिल किए हैं। उनका नाम क्या है और उनके माता पिता से भी मैं बात करूंगा कि किस तरीके से अपने बच्चे को गाइडलाइन किए, कहाँ पढ़ाई किए, किस प्रकार से पढ़ाई में उनका रुचि था, ये सारी चीज पर बात करते हैं। सबसे पहले अपना नाम आप बताएंगे जी। परवीन जी आप बताएंगे, ये आपके लड़का है, क्या नाम है इनका? सैफ आलम। ये इस अरवल जिले को तीसरी इस अरवल जिले में तीसरे नंबर पे मैट्रिक में नंबर लाए हैं और नंबर लाने के बाद अरवल जिले को नाम को रोशन करने का काम किए हैं। इसके पीछे क्या कारण है, किस तरह आप इनको गाइड करते थे, आपका लड़का है? क्या आपको खुशी हो रहा है आपके लड़के नंबर लाया? अच्छा, आपके जैसे बहुत सारे पिताजी या माँ हैं, उनको क्या बताना चाहेंगे? आप थोड़ा संदेश देंगे कि हमारे बच्चे की तरह उनका भी बच्चा पढ़ाई करे और आगे माँ बाप को नाम को रोशन करे। सबसे जरूरी आजकल पढ़ाई है, यह है इनके मम्मी और इनका कामयाबी के पीछे इनके चाचा हैं, मैं उनसे बात करूंगा। वो टीचर हैं, उन्होंने इनकी पढ़ाई में पूरी तरीके से मदद किए हैं और गाइडलाइन किए। अपना परिचय देंगे सर? मेरा नाम मोहम्मद गुड्डू आलम हुआ जी और ये मेरा जो है ऐसे बड़े भाई का छोटा बच्चा है जिसने जो है ऐसे अपनी मेहनत और लगन से इस बार 2023 के मैट्रिक परीक्षा में पूरे अरवल जिला में तीसरा स्थान प्राप्त किया है, जो बड़ा ही गर्व की बात है गांव घर से और जिला तक का नाम दर्शन करने का काम किया। आप इनको किस तरीके से गाइडलाइन करते थे, क्या आप सुझाव देते थे, कैसे बताते थे किस तरीके से पढ़ाई करना है और इसे जिले को नाम को रोशन करना, किस प्रकार से आप गाइडलाइन करते, थोड़ा बताएंगे? बचपन से ही तो जुझारू रहा है पढ़ाई के प्रति और बचपन से ही इसके पढ़ाई के प्रति मेरा अच्छा लगाव रहा है और बीच बीच में मैं इसका गाइडेंस क्या करता था, नोटबुक भी देखा करता था और चेक भी किया करता था क्या पढ़ रहा है और आगे क्या करना है, उसके बारे में जैसे मार्गदर्शन जो भी होता था दिया करता था। ये थे इनके अंकल जिन्होंने आपको बताने का काम किए हैं। मैं बात करना चाहूंगा उस लड़का से जिन्होंने इसे अरवल जिले को नाम को रोशन करने का काम किए हैं। बताएंगे अपना नाम, बताएंगे बाबू? आप किस तरीके से पढ़ाई करते थे और पढ़ाई करने के बाद इस अरवल जिले में आपको मैट्रिक में तीसरे नंबर पे इस जिले में आप नंबर हासिल किए हैं, तो आपका किस प्रकार से पढ़ाई, किस प्रकार पढ़ते थे, लोगों को बताना चाहिए आप? मैं शिक्षक के पास पढ़ने के साथ साथ मैं खुद पर भी सेल्फ अटेंडेंस करता था, मतलब खुद पर भी निर्भर था और शिक्षक तो पढ़ाते थे मगर मैं कुछ मतलब अलग तरह से घर पर मेहनत करता था। आप कहाँ पढ़ने जाते थे? नहीं, कोचिंग का नाम बोलो। एसएमई क्लासेस। इसमें क्या है, क्या कोचिंग है? स्कूल आपका कौन सा है? अच्छा, कहाँ में है? अच्छा, रोहाई में है। अच्छा, उसी स्कूल से मेहनत करके आप पास किए। आप कोचिंग में कितने घंटा पढ़ाई करते थे? कोचिंग में 2 घंटा। 2 घंटा। उसके बाद आप घर पे जब कोचिंग करके आते थे तो घर पे कितने घंटा पढ़ाई करते थे, सुबह हो शाम हो या दोपहर हो? दिन और रात मिलाकर 100 से 7 घंटे। इस अरवल जिले को
जिससे नंबर पे आपने नंबर लाया है, तो आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी पढ़ाई में किनका किनका मार्गदर्शन रहा, किनको अपने कामयाबी के ऊपर किनको आप आपका देना चाहेंगे संदेश कि उन्होंने आपको गाइडलाइन किए और आपने इतना कामयाबी पहुंच की। मुझे शिक्षा के क्षेत्र में इतना कामयाब होने में तीन व्यक्तियों का बहुत बड़ा योगदान। पहले तो माता और पिता, दूसरे शिक्षक, तीसरे कक्षा के सहपाठी। आप बताएंगे कि आपने जिस प्रकार से मेहनत करके और इतनी इस अरवल जिले को नाम को रोशन किए हैं, आप अगले बच्चे जो हैं, जो वो भी मेहनत कर रहे हैं लगातार, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो किस तरह से पढ़ाई करें, अपने जिला ही नहीं पूरे बिहार में नाम रोशन करें, उनको क्या बताना चाहेंगे? उन्हें हम यही बताना चाहते हैं कि वह शिक्षा के पास पढ़ने के साथ साथ वह घर पर भी मेहनत और लगन से पढ़ाई करें और वह खुद पर भी निर्भर रह के कुछ पढ़ाई में और ध्यान दें। कुछ बच्चे होते हैं जो कहते हैं कि मैं 10 घंटा 12 घंटा पढ़ता था, उसके बाद भी मेरा रिजल्ट जो है वो सही नहीं आया है, क्या ऐसे ही बात है? कोई बच्चे होते हैं कि वो दिन रात पढ़ते ही रहते हैं, तो कुछ समय के लिए अपने दिमाग को भी कॉन्सेंट्रेट रखना है, शांत रखना है, क्योंकि वो हमारी पढ़ाई में मदद करती है। इसीलिए तो हम यही कहते हैं कि बच्चे किसी भी चीज को रटके नहीं और थोड़ा उसे समझना सीखे। आपसे एक लास्ट क्वेश्चन होगा, आपका मंजिल क्या है, आप क्या बनना चाहते हैं? हम ऐसा तो यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं। अच्छा अच्छा, यूपीएससी की तैयारी करके क्या बनेंगे आप? कोई भी अधिकारी बन सकते हैं। कोई भी अधिकारी बनना चाहते हैं। आपसे एक छोटा मोटा क्वेश्चन होगा, जो बच्चे 2025 में 23-24 आएगा, 24 में बहुत सारे बच्चे होंगे वो भी अपना आज से ही तैयारी करने में जुट गए हैं और वो चाह रहे हैं कि 2024 में हम भी अच्छा से अच्छा नंबर लाकर और जिला ही नहीं बिहार को नाम को रोशन करेंगे, वैसे बच्चे को थोड़ा सा आप संदेश देंगे कि वो ज्यादातर यानी 25 घंटा 10 में 24 घंटा में वो 2-4 घंटा या 5 घंटा पढ़ के अच्छा नंबर ला सकते हैं, तो किस तरह से पढ़े हो थोड़ा उनको बताएंगे? हम उन्हें 2024 में एग्जाम देने वाले छात्रों से मैं यही निवेदन करता हूँ कि वह मेहनत ज्यादातर करें और लगन से तैयारी करें ताकि वह अपनी सफलता को पास करें। क्या आप नाम बताए थे सर? पिताजी का क्या नाम हुआ? नाजिर हुसैन। ये सैफ अली जी थे जिन्होंने इस अरवल जिला को नाम को रोशन करने का काम किया है, क्योंकि उन्होंने अपनी लगन से पढ़ाई किए और पढ़ाई करने के बाद इस अरवल जिले में यानी 33 नंबर लाकर इस अरवल जिले को और इस ग्राम को दोहाई ग्राम को नाम को रोशन करने का काम किए थे। आप देख रहे थे बीआईजी टीवी जनता की आवाज़, मैं दिलीप कुमार, मेरे साथ कैमरामैन अखिलेश जी के साथ, धन्यवाद।